हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है पम्पकिन हलवा। जो बड़ा कद्दू होता है उसका हम हलवा बनाएंगे। और ये मैंने 1 किलो ले लिया है, उसको कद्दूकश कर लिया है छील के। देखें, बिल्कुल जैसे गाजर हम कद्दूकश करते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें देसी घी ले लिया है और ये घी में ही बनेगा, बहुत मज़े का बनता है ये हलवा। और इसमें अब हमने 1 किलो कद्दूकश किया हुआ पम्पकिन जो है वो उसमें डाल देना है। इसको हमने भूनना है और इसमें किसी किस्म की कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी येलो कलर का ही बनता है और बहुत अच्छा खुश रंग इसका आता है। और ये हमने घी में डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका तमाम जितना पानी है वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास। और बहुत कम चीज़ों से ये तैयार हो जाता है। और आजकल सीज़न में बहुत अच्छे कद्दू आए हुए हैं ये बड़े वाले, तो आप इससे बनाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और हलवे भी बनाते रहते हैं और इस हलवे को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा डिफरेंस है और इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही मज़े का है। और इसको अब हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे रख के इसको भूनना है ताकि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें मैंने 1/2 कप चीनी डाल दी है दानेदार, और इसको मिक्स करके मज़ीद भूनना है ताकि चीनी का जितना पानी निकलेगा वो भी इसमें ड्राई हो जाए। और ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको, झटपट ये भी तैयार हो जाता है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह भूना और घी देखें इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने 3-4 इलायची पीसी हुई वो इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ी सी किशमिश पीली वाली वो डाल दी है मैंने। को डाल के 1 से 2 मिनट आप भून लें ताकि इलायची की खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब इसमें मैंने 1/2 कप खोया डाल दिया है, ये खोया इसमें पूरे हलवे में ही मिक्स करना है हमने, तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और चूल्हा जल रहा है इसी में ही पकाना है इसको हमने। और बाकी हम थोड़ा सा मैंने बचाया हुआ है वो हम गार्निशिंग के लिए ऊपर डालेंगे। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखें, बहुत कम घी में ये तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घी ज़्यादा पीता नहीं है। और फौरन ही देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना इसमें कम घी डाला है मैंने, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घी है। और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और अब इसको हम बादाम पिस्ता मैंने काटे हुए वो खोए से गार्निश करेंगे। और ये हमारा मज़ेदार पम्पकिन हलवा तैयार है। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को खिलाएँ। एक डिफरेंट सा हलवा है, नॉर्मली घरों में नहीं बनाए जाते, मगर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैंने बनाया है ताकि हर कोई इसको बनाए और खाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं और आपको ईजी भी लग रही होंगी रेसिपीज़। और अब मैं इसको खा के भी बता रही हूँ, बहुत मज़े का बना है। अगर इसको आप गुड़ में भी बना सकते हैं, गुड़ में आपको चीनी मैंने 1/2 कप ली थी तो गुड़ का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा और ये गुड़ में भी इसी तरीके से बनेगा। रेसिपी सेम रहेगी, सिर्फ चीनी की जगह आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। सर्दियों में अच्छा रहता है गुड़ का इस्तेमाल, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा।